हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आपका हमारे चैनल सरकारी योजना विभाग फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रेलवे में पहली साल की पहली वैकेंसी जारी कर दी गई है आरपीएफ का, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा है। पोस्ट उसका देखेंगे तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। 2000 है कांस्टेबल के और 250 है आरपीएफ एसआई के, जो कि ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। चलिए जानते हैं और सब इसके अंदर क्या क्या कैसे क्या है, एज रिलेक्शन क्या है, क्या कैसे है। तो एज जो है आपका सब इंस्पेक्टर का जो दिया है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25, और कांस्टेबल का है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। आपको अलग से कुछ छूट या कोविड का एज रिलेक्शन नहीं दिया गया है। और ओबीसी या एसटीएससी का जो है वो है 3 साल ओबीसी के लिए आरक्षण है और एसटीएससी के लिए 5 साल है। चलिए आगे जानते हैं और क्या है सिलेबस में। सिलेबस है 90 मिनट में एसआई का, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन है, और कांस्टेबल में भी सेम 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, 50 जनरल अवेरेंस के और मैथ के 35, और जनरल यानी रीजनिंग के 35, 50 जीके के, मैथ के 35 और 35 रीजनिंग के। आपके हो गए 120 क्वेश्चन 90 मिनट में। एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए सेम ही है। चलते हैं फिजिकल। फिजिकल में क्या कैसे हैं, हाइट मेल ओबीसी और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट माने बिना फुलाए 80 और फुला के 85, माने 5 सेंटीमीटर फुला माने चाहिए। और एसटीएससी जो है हाइट मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 है, और जो चेस्ट है 76 पॉइंट करके हैं। और एक्सपेक्टेड में 5 बढ़ाना है आपको, और महिलाओं के लिए हाइट है ये, चेस्ट है ये नहीं है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको जो दौड़ होगी, सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप एसआई के लिए मेल के लिए 12 फीट, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच, और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। और कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड 800 मीटर। और वहीं जंप में जो है मेल के लिए कांस्टेबल के लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 4 फीट, और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। 1600 मीटर और 800 मीटर में सिर्फ एक चांस दिया जाएगा दौड़ के लिए, और हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे। और बाकी और कुछ जानकारी के लिए फॉर्म कब से भरा जाएगा अभी ये नहीं दिया गया है, आगे चल कर हो सकता है जनवरी के लास्ट तक ये भी बता दिया जाए कब तक फॉर्म दिया जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा कब से। और बाकी डिटेल के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से फुल डिटेल देख सकते हैं। वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।